तरन तारण तो जिथे कि आम आदमी पार्टी के आगू के घर च फायरिंग हुई है। आम आदमी पार्टी के आगू रणजीत सिंह चीमा के घर च फायरिंग हुई है और पंचायती चोणों की रंजिश से गोली चली है। चीमा कला पिंड का नवा बनिया सरपंच जख्मी होया है गोली लगन के नाल। फायरिंग भन तोड़ करन दा इल्जाम लगे और मौके दी कुछ तस्वीर भी सामने आईया ने और इस दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है पुलिस मुलाजमान की मौजूदगी ही ये बेखौफ लोग गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आवाजा सुनाई दे रही ने और बकायदा तस्वीर भी जी है नजर आ रही है किवें गोलियां चल रही और पटाकों की कोई आवाज नहीं है। ये पटाके नहीं दिवाली दे बल्कि फायरिंग हो रही है। दरअसल सारा विवाद जिहड़ा है वो सरपंची चोणा तो शुरू हुंदा है। नवे बने सरपंच दे घर च फायरिंग होना अंदाजा लाया जा सकता है कि रंजिश है पंचायती चोणा नूं लैके। इस तों बाद इह जिहड़े गवांढ च ही दसे जा रहे ने एक दो घर छड के एक घर है जिथों ये गोलियां चलाईया गई ने और इस दे विच कुछ लोगों नूं नामजद किया है बाय नेम परचा दर्ज किया है कुछ पे अणपछातिया ते परचा दर्ज कर लिया। पुलिस जिहड़ी है मौके ते पहुंच गई सी जिवें ही उन्होंने खबर मिलती है पर ये इन्ने बेखौफ लोग सन जिन्हां दे वल्लों उस टाइम भी उस समय भी फायरिंग जिहड़ी है वह की जाती रही है और जो जख्मी होया नवा बड़ा सरपंच उसको अगे रैफर किया गया। सिद्धार्थ ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते सिद्धार्थ की कुछ होर जानकारी अपडेट हुण तक सामने आई है सारे मामले च? बिल्कुल गल की जाए तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले के जोड़ा परचा जरूर रजिस्टर किया है और एक व्यक्ति जोड़ा जख्मी है जिसनों जोड़ा दाखिल करवाया गया दस दिए कि सिविल अस्पताल विखे भर्ती है जिसकी बांह के दसया जा रहा है कि गोली लगी है। फिलहाल इस मामले के पुलिस जी है इनवैसटीगेशन भी कर रही है और जोड़े सीसीटीवी कैमरे ने वो खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल जे गल की जाए तो सीसीटीवी कैमरे के नाल जी सबूत तौर से आप कह सकते कि वड्डी वीडियो भी सामने आई जिस पुलिस की मौजूदगी जी फायरिंग हो रही है जो शरेआम सुनाई दे रही है। फिलहाल इस मामले से जी डूंघाई के नाल जी पुलिस जांच कर रही है जी। ठीक है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लिए। तो पंचायती चोणों की रंजिश जिस नवे बने सरपंच से फायरिंग हुई है उसके घर फायरिंग हुई है बेखौफ ये लोग गोलियां चलाते रहे बेशक पुलिस उत्थे मौजूद से आम आदमी पार्टी के आगू रणजीत चीमा खुद साढ़े नाल फोन लाइन पर मौजूद ने। न्यूज़ 18 पंजाब से तुहाडा स्वागत है। नाल सवाल ये भी है कि जिस तरीके की घटना वापरी है कि कुछ होया है सारा कुछ और कदों तो ये चल रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रिजल्ट आया नूं तां सरपंच इलेक्शन मेरे ना चाचा जी का बेटा जगरूप सिंह असी उम्मीदवार बनाया सी सरपंच इलेक्शन जी जिस दिन उन्होंने नॉमीनेट किया उस दिन तो ही मैं धमकिया भरिया कॉल वॉइस जो मैसेज वट्सएप आ रहे मेरी फैमिली नूं भी और मेरे फोन से भी कि अपना जो कैंडीडेट है इन्हू बिठा लो असी सारा जी एजन ताडे बच्चे मार देना है। चलो उस तो बाद सरपंच साडा वीर बन गया है ना राती बीती रात जिहड़ी लंघी वह जिहड़े मगर सीगे विरोधी धिर वाले उन्हें मेरे बूहे गाड़ी ताबड़ तोड़ जिहड़ी फायरिंग की आ उस मेरे गनमैन जिहड़े रात नूं जा चुके सी 9:30 दा करीब टाइम सीगा मैं पुलिस नूं इनफॉर्म किया और पुलिस आने की मौजूदगी भी तुसीं वीडियो देख लो उन्होंने मौजूदगी दे विच भी जिहड़ी फायरिंग होई है। जगरूप दस रहे तुसीं जिहड़े नवें सरपंच ने उन्हां दी गोली लगी है वो उन्हां दी हालत की है? वो जख्मी जेरे इलाज ने सिविल हॉस्पिटल पट्टी दे विच जी स्थिति उन्हां दी खतरे तो बाहर है? हां जी खतरे तो बाहर उन्हां दी बांह दे विच गोली लगी है। और ये जिहड़े लोग ने जिन्हां ने फायरिंग की है ये केड़ी पार्टी दे नाल संबंधित ने जेकर दसना चाहो तो? ये भी आम आदमी पार्टी दे नाल ही संबंधित है जी। इस तो इलावा कोई होर जानकारी क्योंकि तुसी दस रहे हो तुहाडे घर दे बाहर फायरिंग हुई है किन्नियां गोलियां उत्थे चलाईयां गईयां ने? घट्टो घट
15 तो ज्यादा जेडी फायरिंग हुई 15 और ज्यादा 15 तो ज्यादा गोलियां चलाईयां कीयां पुलिस की कुछ कह रही है और हुण तक किन्ने लोकां ते पर्चा दर्ज होया एफआईआर 9 लोकां ते एफआईआर दर्ज हुई है पर हल्ली तक किसी दी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ना पुलिस ने हल्ली तक कोई रेड कीता और जो इसे वीडियो च देख रहे हैं देखो पहली नजर च देख के इंज लगदा कि वे दिवाली दे पटाके चलदे हुण पर फायरिंग शरेआम हो रही है आवाज सुनाई दे रही है और किन्ने देर चलदा रहा सिलसिला एक घटो घट अद्धा घंटा चलदा रहा जी इस तो इलावा कोई और कुछ कहना चाहो तो नहीं जी धन्यवाद यही है तेरे चैनल दे जरिए भी जड़ी मैं एसएसपी साहब तो पुलिस प्रशासन तो मांग करता है जेड़ा मेरे फैमिली नु इन्हां नु जेड़ा इंसाफ दवाया जाए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है रणजीत सिंह चीमा जी जुड़न लई फोन लाइन ते आम आदमी पार्टी दे आगू ने और उन्हां दा ये कहना है कि जेड़े दूसरा तड़ा है जिन्होंने फायरिंग की थी है वो भी इसे पार्टी के नाल संबंधित है हालांकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आखिरकार की सारा इन्ना विवाद होया है जगरूप दसे जा रहे ने नवे बने सरपंच जेड़े इन्हां दे परिवारां दे विच ही ने उन्होंने कहा कि उन्होंने बांह च गोली लगी है खतरे तो बाहर है हालत पर उत्थे जख्मी हालत दे विच हस्पताल च जेड़े इलाज ने और उस समय दी सारी वीडियो सामने आई है सामने सामने गोलियां चलन सामने ढाडे पैर कटन दे आ वेखो ਨੋ